आज हमारे सामने मौजूद हैं निजामुद्दीन शम साहब, जो यहाँ पे वार्ड नंबर 78 में आए हुए हैं, और इनसे मौजूदा हालात, यहाँ की जो मौजूदा हालात हैं इनके इलाके की, वो जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, यहाँ के मौजूदा हालात क्या है? सर यहाँ पे लॉकडाउन जो पिछले 9 दिनों से चल रहा है, 8 दिनों से, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपने इलाका के तमाम बिजनेसमैन, सोशल वर्कर, सामाजिक कारकुन को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन लोग पिछले 9-10 दिनों से जिस अंदाज से गरीबों के साथ खड़े हुए हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसलिए कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद रोज़ाना कमाने और खाने वाले लोगों को जो परेशानी और दिक्कत सामने आई है, इसके अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं था कि सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हर इलाके में, खिज़रपुर के हर वार्ड में जिस अंदाज से सामाजिक तौर पे काम हो रहा है, तमाम के तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। कलकत्ता पोर्ट के MLA और कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जनाब फिरहाद हकीम, जहां एक तरफ उन्हें पूरे कलकत्ता शहर और ख़ास करके आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो म्यूनसिपल अफेयर्स एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं जी, पूरे बंगाल को उनको देखना पड़ रहा है, लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद भी वो अपने इलाके को बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कलकत्ता पोर्ट अंचल में कोई गरीब भूखा न सोए, और जितना मुमकिन हो सकता है वो आज काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर कोई सेंट्रल से या स्टेट लेवल से कोई फंड आई है क्या आप लोगों के पास? देखिए, अभी तक तो जहाँ तक के सेंट्रल का ताल्लुक है, हम लोग सिर्फ टीवी में सुन रहे हैं फंड के बारे में, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फंड आया नहीं है। रोज़ाना हमारी इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी सेंट्रल से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप फंड रिलीज करें। यहाँ तक के स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रीवियस ड्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, उसको भी इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रही हैं कि आप वो फंड कम से कम आप रिलीज़ करें, ताकि हम अपने पश्चिम बंगाल में गरीब लोगों की खिदमत कर सकें, उनके इस बुरे वक्त में उनके पास खड़ा हो सकें। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई फ़ंड नहीं आया है। काबिले मुबारकबाद की मुस्तहक हैं हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सरबराह इस रियासत की वज़ीर आला, के पिछले 1 अप्रैल से उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 6 महीनों तक गरीबों को फ्री में राशन दिया जाएगा। जिनका BPL कार्ड है उनको फ्री में 6 महीनों तक राशन दिया जाएगा, और आज अल्लाह का करम है कि कलकत्ता के साथ साथ पूरे बंगाल में कमोबेश 7 करोड़ 60 लाख गरीब आवाम को फ्री में राशन देने का काम शुरू हो गया है। आपके इलाके में जो है सर, आपकी तरफ से क्या इमदाद दी जा रही है? देखिए, जहाँ तक इमदाद का ताल्लुक है, हर इंसान आज इस बात की कोशिश कर रहा है। हमारी सर थोड़ा मास्क नीचे थोड़ा सा कर दीजिए थोड़ी देर के लिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हर इंसान जी, अल्लाह ने जिसको जितनी ताकत दी है, जितना हैसियत दिया है, अपने तौर पे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाए। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को ये, हम लोगों के दिलों में उनका खौफ है। हमारे इस्लाम में इस बात की तायीद की गई है कि अगर आप खाना खाते हैं और आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आपका खाना हराम है। इसको मैं सामने में रखते हुए हर लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस मुसीबत के घड़ी में लोगों के काम आ सकें। और जहाँ तक के मेरा ताल्लुक़ है, अल्लाह हमको जो हैसियत दिया है,
जाति तौर पे भी जितना मुमकिन हो सकता है इंशाअल्लाह ताला रहमान हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैं बाहर भी अभी आ रहा था, देख पाया कि गाड़ियाँ आपकी राशन से खाली हो रही है, तो ये कितने दिनों से कर रहे हैं सर ये याद कर रहा हूँ। आज जो आपने गाड़ियाँ देखा जी, आज सुबह में ही हमारे रियासत के वज़ीर, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, इस इलाका के MLA जनाब फराद हकीम साहब ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने कहा है कि मैं 1000 पैकेट राशन आपके यहाँ भिजवा रहा हूँ, आप जो ज़रूरतमंद हैं उनको 78 नंबर वार्ड, 75 नंबर वार्ड और 79 नंबर वार्ड में अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिएगा। तो हम लोग बहुत ही खुश हैं और शुक्रिया अदा करते हैं अपने इलाका के MLA जनाब फिराद हकीम साहब का कि इतनी मसरूफियत के बावजूद भी रोज़ाना अपने कंस्टिट्यूंसी के बारे में वो पूछते रहते हैं और जितना उनसे मुमकिन हो सकता है वो जाति तौर पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नरेंद्र मोदी जी का एक अभी सर उन्होंने अपील की है सभी हिंदुस्तानियों से कि आप 9वां दिन जो 5 अप्रैल होगा तो उस दिन 9 बजे रात में 9 मिनट के लिए आप अपने घर के जो रोशनी है, लाइट्स हैं, उनको आप बुझा दें और मोमबत्ती जलाएं और टॉर्च जलाएं और इस तरह का काम करें आप। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए जहाँ तक इससे क्या साबित होगी, जहाँ तक के मोदी जी का ताल्लुक है, कभी बोलते हैं ताली बजाओ, कभी बोलते हैं थाली बजाओ, अब बोल रहे हैं कि आप मोमबत्ती जलाओ, ये बात किसी के समझ में नहीं आ रहा है। आज उन्होंने जो 1,76,000 करोड़ रुपया TV के ज़रिए जो हम लोगों ने सुना है कि ये इस आफत की घड़ी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1,76,000 करोड़ रुपया गरीबों में बांटने का काम करेगी, लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बंगाल में 1 पैसा भी नहीं आया है। तो जो काम का काम है वो काम तो हो नहीं रहा है और TV में आकर बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी भाषण देना, लोगों को गुमराह करना, ये उनका काम है हसब मामूल, आज भी वही कर रहे हैं। जी JKB न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए JKB न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को और ख़ास करके हर धर्म के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि आज हम लोग वाकई बहुत मुसीबत की घड़ी में हैं और जब से दुनिया कायम हुई है इतनी बड़ी मुसीबत इंसानियत के ऊपर नहीं आई थी। आज ज़रूरत है जहां हम लोग एक दूसरे की मदद करें, वहीं हम लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। जी आपके इलाके में जो मस्जिदें हैं तो आज जुमा की नमाज, तो क्या जुमा की नमाज सब अपने घरों में पढ़े हैं? अल्लाह का करम है जी कि मस्जिदों में तो ज़्यादा तादाद में लोग नहीं आ रहे हैं आपके नज़र में? नहीं, मस्जिदों में लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, चूंकि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है और ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, इसमें आप लोगों सभी को मालूम ही है कि क्यों फैल रहा है, इसीलिए इस बात की कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए तो जाहिर सी बात है वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, हर चीज़ों को बंद करना होगा और ज़्यादा लोग जमा ना हो इस बात का ख्याल रखना होगा। तो खिजरपुर को लेकर वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि गवर्नमेंट का और ख़ास करके हमारी दीदी ममता बनर्जी ने जो गाइडलाइन दिया है लोगों को उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझसे बात करने के लिए।